आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक आशा और विश्वास की बात करते हैं, और ये भी सही है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति या समाज न खुद के लिए कुछ करता है न उस पीढ़ी के लिए कुछ कर पाता है। कर वो ही सकते हैं जो आशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं। रोना रोते वालों को 5-10 लोग अगल बगल के आश्वासन देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन परिवर्तन का संकल्प करने वाले लोग उनके पास फटकते नहीं है कभी। और जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात को उद्घोष करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हो गया अतीत में जिस दौर से हमें गुजरना पड़ा वो सभी आवश्यक थे, क्योंकि विनाश का जो काल बीच बीच में आया उसे निकलकर ही भविष्य का भारत आ रहा है। वह अंकुरित हो चुका है, उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिशाली वृक्ष विशालकाय वृक्ष का उगना शुरू हो चुका है। विपरीत परिस्थितियों में विकास की आस विश्वास यही देश को आगे ले जाता है। चुनौतियों को चुनौती देना ये देश का स्वभाव होता है, वही देश चुनौतियों को परास्त करता है। जो चुनौतियों से डर के भागते हैं वो नई नई चुनौतियों को मोल लेते हैं, और इसलिए चुनौतियों को ही चुनौती देना सामान्य मानवीय की देश की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने में हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं।